कहिए जिज्ञासा आंटी, कैसे याद किया? बानी, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। दरअसल बानी, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ एक घर के बहू की तरह बर्ताव नहीं किया। आई एम रियली वेरी सॉरी बानी। एक मिनट बानी, यहीं रुकना। बानी, मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूं, मानती हूं कि मैंने इतनी चोरी से पैसे चुराए और ज्वेलरी भी चुराई। ये है वो पैसे और ज्वेलरी। एक मिनट, और ये कुछ और पैसे हैं बानी, ये मेरे पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल इस घर की मालकिन तुम हो ना, इन पैसों पर भी तुम्हारा ही हक है। बानी, मुझे हमेशा पैसों का लालच था, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ वाले हाउस में वापस आओ, और इसलिए मैंने वो सारी कोशिशें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग रखा, घटिया चालें चली तुम्हारे खिलाफ। Shouldn't have done that, बानी। ये जिज्ञासा को क्या हुआ है? या तो ये अपने होश खो बैठी है, या फिर से कोई चाल खेल रही है। ये तो तय है कि जिज्ञासा आंटी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन इज, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे पता है बानी, तुम मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। काम ही ऐसा किया है जिज्ञासा ने कि कोई उस पर विश्वास क्यों करे। लेकिन बानी, अब दिस टाइम आई एम सीरियस। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर विश्वास करो, मेरी बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबह का फूल आकर शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं मानती हूँ आपको शाम के बदले रात हो गई, लेकिन फिर भी आपको अपनी गलती का एहसास होना आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको माफ करती हूँ। थैंक यू भाभी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी के बारे में बुरा सोचूंगी भी नहीं। बानी, कैसे कहूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, ये समझ लो बानी कि जिज्ञासा का नया जन्म हुआ है। ठीक है आंटी, मुझे आप पर भरोसा है। और आज की दावत का खाना प्रिया और करुणा आंटी बनाएंगे, आप बस अपने गेस्ट को रिसीव करना। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बानी, अब तुम्हारा सामना है अपने उस दुश्मन से जो तुम्हारे दोस्त के भेस में छिपा है। अब देखना बानी,
जहां मुझे मौका मिला मैं बाजी पलट दूंगी। दोस्त और दुश्मन का फर्क पानी नहीं समझती थी जिज्ञासा शांति, लेकिन दुर्गा जानती है ये पैसे लौटाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब तिजोरी में पैसे थे ही नहीं तो आप कैसे ले सकती हैं? पैसे तो मेरे पास थे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपके आंसू के पीछे क्या। बट डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स मेरे पास तैयार है। बहुत तालाक है जिज्ञासा, बानी के खिलाफ सारी प्लानिंग उसी ने की और अब इस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहाए कि बानी पिघल गई। और अब हमें जाके किचन में डिनर पार्टी के लिए खाना बनाना है। जल्दी करें जिज्ञासा आंटी और सजा भुगते हम। अब शिकायत करने से क्या होगा, रहने दो। ये देखो, ये देख रही हो, ये सिर्फ आज की फरमाइश है। चलो किचन में खाना बनाना है। लो, अब इस मटर पनीर से तो छुटकारा मिल गया। अब लिस्ट में अगली चीज क्या है? पालक पनीर। सब जिज्ञासा आंटी की वजह से हो रहा है। हम यहाँ किचन में बने और वो वहाँ खुद। तुम्हें और क्या करती? जिज्ञासा ने जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही उसे धोखा दिया। जिज्ञासा को धोखा देने की सजा भुगत लो अब। जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे मेहमान आते ही होंगे। और हाँ, थोड़ी देर में खाना टेबल पर लगा देना, मुझे बहुत भूख लगी है और उसी बहाने से खाना चख भी लूंगी। पता तो चले मेहमानों के लायक है भी या नहीं। अरे मुझे तैयार होने जाना है। Get the food ready fast. You're looking good, Jigyasa. और जरूरी भी है, सारे दोस्त आ रहे हैं ना मेरे, उन्हें लगना चाहिए कि अब भी वालिया हाउस में मेरी ही हुकूमत चलती है। बेचारी बारी, अच्छे लोगों की एक बुरी आदत ये भी होती है कि दो आंसू देखे और पिघल जाते हैं। करुणा आंटी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अकेले आप दोनों को ये सारा काम करना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ आप दोनों किचन में काम तो कर रही है, पर आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, यही कि जिज्ञासा आंटी फिर से अब इस घर पे राज करेगी, है ना? और आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा कि काश आप जिज्ञासा आंटी को सबक सिखा पाती। मुझे लगता है ये चिलाप की दवा आपके कुछ काम आएगी, क्योंकि आखिर खाना भी तो जिज्ञासा आंटी सबसे पहले खाएंगी ना। देखकर तो लग रहा है कि तुम दोनों ने काफी मेहनत की है खाना बनाने में। अच्छा है, अब जरा मैं टेस्ट करके देखूंगी, चलेगा ना? हाँ, देखते हैं। वाह, वाकई बहुत अच्छा है। एक बात तो बानी की माननी पड़ेगी, अच्छा है क्या उसने जो नौकरों को निकाल दिया नौकरी से? पर ना मुझे इस आप दोनों के हिडन टैलेंट के बारे में पता नहीं चलता। आज से तुम दोनों की नौकरी फिक्स। यू आर द लेटेस्ट शेफ इन वालिया मेंशन, चलेगा ना? अब क्या खाऊं नेक्स्ट? आई ट्राई दिस। ये भी ट्राई कर लेती हूँ। कसम से कहती हूँ बहुत अच्छा खाना बना है। चलो कुछ तो तुम दोनों को ठीक से करने आता है। जिज्ञासा आंटी आप तैयार हैं? Of course, I'm ready. आप तो बहुत excited लग रही हैं कि मैंने आपके सारे friends को बुलाया है। हाँ। आपके friends के साथ
मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे बिग शॉट को भी बुला लिया है। Is it? हाँ, आपके लिए सरप्राइज है। लगता है वो लोग आ गए हैं, मैं देखती हूँ। I'm impressed. जिज्ञासा आंटी, ये रहे आपके सारे दोस्त। कि ये मेरे दोस्त? हाँ, अब आपकी हालत भी इन्हीं की तरह हो गई है ना, भिखारियों की तरह। जिज्ञासा आंटी, आप अपने दोस्तों को जादू की झप्पी नहीं देंगे? अच्छा होगा अगर आप मेरी बात मान ले, वरना आपको इस वालिया हाउस से जाना पड़ेगा। बानी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। नहीं जिज्ञासा आंटी, आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। बानी, अपने दोस्तों के गले मिलिए ना। बानी बहन, लगता है दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इनसे मिलिए, इनका नाम है मनु। ये रिलायंस की मेन ब्रांच के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं। मैम साहब, जिज्ञासा आंटी, याद है ना जादू की छप्पी? बानी ने बुरा फंसाया मुझे यहाँ। मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मैं यहाँ रुक सकती, क्या करूँ? अरे जिज्ञासा आंटी रुके ना, अपने दोस्तों को खाना तो खिलाइए। अरे जिज्ञासा, तैयार नहीं होना है क्या? आज बानी ने खास फंक्शन रखा है भाई, सबको इनवाइट किया, तुम भी चलोगे? 5 मिनट्स। अरे मायूसी छोड़ो जिज्ञासा, मुझे तो यकीन हो गया कि हर काले बादल की कोर में कहीं ना कहीं एक चमकीली लकीर जरूर होती है। इस घर पर से तो दुखों के काले बादल छट चुके हैं। शाली के रूप में बानी घर में वापस आ गई। कल रात को जय और बानी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई, सारी शिकायतें दूर हो गई, सारी तकलीफें दूर हो गई। जी मुस्कुराओ जिज्ञासा, अरे मुस्कुराओ तो। तुम चुप नहीं रह सकते 2 मिनट? मुझे लगता है इनके मुस्कुराने का वक्त अभी नहीं आया। आखिरकार वाले फैमिली पर से दुखों का साया हटी के जय भैया और बानी भाभी के नए रिश्ते का नया मोड़ पूरी फैमिली के लिए एक नई सुबह लेके आया। अब मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो ना, बानी भाभी ने पूरी खुशी से हम सबको अपने फंक्शन में बुलाया। रणवीर, मुझे पूरा यकीन है कि बानी भाभी ने यह फंक्शन जय भैया की खुशी के लिए रखा है। जय भैया, मुस्कुरा के रहे, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, पूरी फैमिली को तो बुलाना एक बहाना है। दरअसल आपका खुश देखना चाहती है बानी भाभी।
जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे और रणवीर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन तुम बीच में आ गए। ये देखो, ये घाव सिर्फ तुम्हारी वजह से रहा। गलती तुमने की और चोट चोट मुझे लगी। अगर इस बात का एहसास कर सको तो कर लेना। नानो जी, पापा। नानो, तुम फंक्शन के लिए तैयार नहीं? लेट हो जाएंगे भाई। पापा, आप रुक जाइए, मैं वरुण को सुलाकर पहुंचती हूँ। क्या बात है रानो, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आई एम फाइन। तब ठीक है, वरुण को सुला दो, मैं इंतजार करता हूँ, साथ चलेंगे। पापा आप इंतजार क्यों करेंगे, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। ओके, लेकिन देर नहीं करना। आज इस परिवार की खुशी में मैं शामिल नहीं हो सकती पापा, क्योंकि इसी परिवार की खुशी के लिए मुझे एक फैसला लेना है। हम कहीं लेट तो नहीं हो गए ना? बोलते हैं सर, यह जैसे कि तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे जो जिसको आना है, जिसको ज्यादा जरूरी है, वो आ गया है। वेलकम मिस्टर वालिया। मोक्ष, ये सारी तैयारियां किसके लिए? मिस्टर वालिया, मुझे कहा गया था कि वालिया फैमिली के कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा जाए, बस इसीलिए। और ऐसा किसने कहा था? ऑब्वियसली और मिस्टर वालिया के अलावा। I think she really likes you. आपको कोई तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा हूँ। लेकिन वो है कहाँ? थैंक यू मिस्टर वालिया, आपकी मौजूदगी ने इस खास दिन को और भी खास बना दिया। और मैं आप सबकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। पर कुछ कमी लग रही है। जिज्ञासा आंटी नहीं आई, उनके बिना तो मजा नहीं आएगा। मैं यहाँ आऊँ बानी? आपने आने में इतनी देर कर दी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बानी, मैंने तुमसे हाथ मिलाया, तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की, और उसके बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। जिंदगी भर याद रखूंगी बानी मैं इस बात को, बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। मैं उन लोगों की दोस्ती स्वीकार नहीं करती जिनके दिल में दुश्मनी छिपी हो, और ना ही उन लोगों से हाथ मिलाना पसंद करती हूँ जो मिलने के बहाने मेरा ही हाथ काटना चाहते हैं। आज तक तुम्हें जो कुछ भी करना था तुमने किया बानी, और हमने देखा भी, अब कौन सा तमाशा दिखाने वाले? वो भी अभी पता चल जाएगा। Just wait and watch. रानू नहीं दिखाई दे रही, रानू कहाँ? मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं आप सबको दुखी नहीं करना चाहती, पर जब तक मैं ये घर नहीं छोड़कर जाऊंगी, खुशियां यहाँ कदम नहीं रखेंगी। इस घर की बदकिस्मती मेरे आने से जुड़ी है। मुझे लगता है कि मैं साहिल की मौत की जिम्मेदार हूँ, और राशि और रणवीर के बिगड़ते रिश्ते के भी। मैं अब इस घर पर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रानी, रानी। प्यार है या सजा,
ऐ मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहां ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों दर्द का सिलसिला इस घर ने मुझे बहुत प्यार दिया मान दिया आप सब लोगों की यादें मेरे साथ रहेंगे एक औरत सुहागन बनकर घर की चौखट पार करके जब अंदर आती है तो दिल में सिर्फ घर की खुशियों की तमन्ना होती है आज एक बहू घर की चौखट लांग कर बाहर जा रही है उसी खुशहाली के लिए बाबा के जाने के बाद मैं यहीं आई थी नई जिंदगी की तलाश में आज इस घर को छोड़कर जा रही हूँ यहाँ रहने वालों की बेहतर जिंदगी के लिए